गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 ए लेक्चर रे पिले हमर न्यू टॉपिक पढ़िबा से होचे डिस्पर्शन देखो पिले डिस्पर्शन कोनो मो लास्ट लेक्चर रे ताको भल से डिराइव करिवे प्रथमे आमे गोडे लंकसन विषय रे पढ़िबा जडे की रिफ्रैक्शन से तो रिलेटेड रहचे तेनु फर्स्ट एटा पढ़ि देबा तापरे आमे डिस्पर्शन कोनो मोल रे जानिबा देखो पिले ए लॉन्ग क्वेश्चन पिले तम पई बहुत इंपोर्टेंट आ ए लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे के बढ़ि आसु छे देखो ता हम एठे लिखि छे मैं कौन ता डेड्यूस द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू sin a + dm / 2 / sin a / 2 इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखो हम रिफ्रैक्शन पढ़थिले ता लेंस द्वारा के बढ़ि रिफ्रैक्शन करौथले लाइट से विषय रे पढ़थिले वर्तमान गोटे प्रिज्म देके आमे रिफ्रैक्शन करैबा ओ से लाइट टा जेतो रिफ्रैक्टेड हबो कि भली तार निजो पाथ को डेविएट करछे ता जानिबा आ ओ तार एंगुलर डेविएशन बाहर करबा ता से तो आमे ए प्रिज्म फार्मूला टी प्रूव करैबा ई होचे आमा को प्रिज्म फार्मूला मध्ये कहि परबे लंग क्वेश्चन को देखो से फार्मूला टी कोन ना म्यू इज इक्वल टू sin a + dm / 2 / sin a / 2 देखो पिले एटा म्यू कोन पिले हम जानिथिले म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट नुआ टर्म गुडा आसला ए होचे पिले हमरो हमरो एंगल ऑफ प्रिज्म कहबा त dm कोन पिले ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ए विषय रे भल से जानिबा देखो प्रथमे प्रिज्म कोन बुझिबा सो वर्तमान देखो पिले प्रथम आमी प्रिज्म कोन जानिबा देखो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू इच अदर एट एन एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल देखो पिले कौन कहला ना प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम ए हुचि पिले प्रिज्म गुडे ग्लास मीडियम समस्त प्रिज्म देखिथिबो तार पिले दीटा हमरो रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहउची जार ना हुचि एबी आउ एसी से दुटा सरफेस पिले गोटे एंगेल इनक्लाइंड हो रोचे से एंगल को आम ए बोली कनसीडर करचे आम एंगल ऑफ प्रिज्म कह देख पे हियर ए बी एंड ए सी आर द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनक्लाइंड टू एट एन एंगल ए दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म बा रिफ्रैक्टिंग एंगल देख पे ये हूँ ए बी सी आमर प्रिज्म एन एन वन एन एन टू आर द टू नॉर्मल ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस एफ बी एंड एस ए नॉर्मल कौन पिले गोटे इमेजिनरी रे जोटा कि आम परपेंडिकुलर गोटे सरफेस उपर ड्रॉ कर पारिबा जहाँ को आम डॉटेड गार द्वारा डिनोट कर देख ए लॉन्ग क्वेश्चन रो मेन जानिबा कथा पिले एंगल ऑफ डेविएशन कौन सीटा पे तुम समस्त जाणीदेव ताल लंग क्वेश्चन आमको सुविधा हम ताको बुझापी पे गोटे रोड एग्जाम्पल जानी से आम एंगल ऑफ डेविएशन कौन भल से जाणीदा तापर ये आम बुझा देख पे ये हूँ आमर सबुदे चल चल जावा रोड सब पे योड्रे आम चली चली जाऊे दिने कौन है से रोड आगे किसी कम चलचे तेणु से गोटे बोर्ड टे लगे से बोर्ड में कही पे डेविएशन द रोड मैंने कौन कहला पे ना ये रास्त न जा बर्तमान न्यू रोड गोटे या से रोड देके जाओ जो रोड नुआर या पे से रोड को आम डेविएटेड रोड बोले कहवा जहाँकि आम आम निज रोड ठारू आम कि डेभिएट न्यू रोड रे जाऊे से रोड को आम डेभिएटेड रोड बोली कह ये आम सबुद रोड ना पे आज जो सबुद जोटा कि ओरिजिनल रोड आउ न्यू रोड मधे जो एंगलटा क्रिएट कर देख ए एंगलटा ये हूँ आम न्यू रोड रे हूँ आमर सरी ये हूँ पुराना रोड ये हूँ न्यू रोड से दुटा रोड मध्य जो एंगलटा क्रिएट कला आम स्मॉल डी रे डिनोट करचे ताको कहबा आम एंगल ऑफ डेविएशन
ना कौन बुझल एंगल ऑफ डेविएशन कौन द एंगल बिटवीन ओरिजिनल रॉड एंड द डेविएटेड रॉड इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन बुझला पिने जो रोड थ्रू आम डेविएट हो जाऊे केंगेल डेविएट हो जाऊे से एंगल टा कह एंगल ऑफ डेविएशन से पिले ये जो रेड इंसिडेंट हे से इंसिडेंट रे से रे निजर पाथ रे न जाए जो इमरजेंट हे जो रेटा तार पाथ को सी डेविएट कर एंगल डेविएट कर सी हम तार एंगल ऑफ डेविएशन बर्तमान देख गोटे इंसिडेंट करवा ये हूँ पिले इंसिडेंट रे जार ना कि आम दबा ईएफ ई एंड एफ कैपिटल ई कैपिटल एफ इज द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे बर्तमान देख पे ना मीडियम कौन प्रथम जान यूज ग्लास मीडियम आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रहा यूज एयर मीडियम आर मध्य रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस रहा देख पे यही ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई तेणु आम आपको कह रेयर मीडियम ये हूँ पे आम डेंसर मीडियम कौन थे ये हूँ रेयर मीडियम बुझेगा पे बर्तमान तुम जानी जदि रे रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को प्रोपेगेट कर कौन हो नॉर्मल आड़ को बंके जाऊ पे देख ये हूँ आम इंसिडेंट रे बर्तमान रेयर रु डेंसर जाऊे ये हूँ आम नॉर्मल जोड़े कि इंटरफेस जोड़े इंटरफेस आम रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी को इंसिडेंट है नॉर्मल आड़ को बंके जाओ पे बर्तमान रेटा रिफ्रैक्टेड रे कौन कला नॉर्मल आड़ को आस्ते बंके गला जार ना हो एफ आउ जी कौन ना दे एफ जी इज द रिफ्रैक्टेड रे बेन्स टुआर्ड द नॉर्मल बर्तमान देख पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ये हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर वन दवा ताको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन बर्तमान देख पे एफ जी बर्तमान सेकेंड सरफेस जोड़ा कि एसी सरफेस पे इंसिडेंट रे आउ जो एंगल टा क्रिएट कर सी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट को कौन कहें आर टू दिगला बर्तमान देख से ये जो सरफेस दिखे रिफ्रैक्शन बाहर को मीडियम रू को मीडियम प्रोपेगेट कर ना डेंसर मीडियम रू रेयर मीडियम प्रोपेगेट कर बर्तमान जानवा आम डेंसर रू रेयर गले ता रेटा नॉर्मल आड़ को बंके जीव ना नॉर्मल ठारू दूरे जीव निश्चय भाव नॉर्मल ठार दूरे जीव देख ये हला आमर रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस एसी दैट इज आल्सो नोन एज इमरजेंट रे आपको कह पे इमरजेंट रे कहीं रिफ्रैक्टेड रे पुण थ रिफ्रैक्टेड हो तेणु ताको आम इमरजेंट रे कहीपर कौन कह इमरजेंट इमेज हो इमेज होमें इमरजेंट रे आम कौच से एंगेल को पीले आम इोली कनसीडर ये जान लो बर्तमान ये हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर फर्स्ट सरफेस ए बी ये हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट सरफेस ए बी ये हूँ आर टू हूँ पिले एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर सेकंड सरफेस एस सी एंड ई हूँ पिले एंगल ऑफ इमरजेंट फॉर सेकंड सरफेस एस सी हेल्ले एंगल ऑफ डेविएशन कौन ना कौन जान ला ना जो एंगल ओरिजिनल पाथ ठारू जो पाथ से डेविएट हो से दिज मध्य जो एंगलटा क्रिएट कर सी हूँ एंगल ऑफ डेविएशन हेल्ले ओरिजिनल पाथ कौटा पिले ये जो रे फर्स्ट रेटा इनसीडेंट होता जदि आमर प्रिजम टीए नाला जी हूँ प्रतिरोधक आम देख कामटा चलता ये तेणु आम प्रतिरोध करता ये से प्रिजम हूँ ए रेर प्रतिरोधक से कौन कर डेविएट कर से रे को बर्तमान जदि प्रिजम न था आम रेटा किमी जाता स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेट करता
यो चर्चना हो रे जोड़ा के जाई था ता सेमते वर्तमान कोठी एट इमरजेंसी चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म आको जदि हमें ए ओरिजिनल पाथ तार थला ए बात इंसिडेंट रे थला ई होची वर्तमान हमरो डेविएटेड रे ए दु जण मथर जो एंगल डा क्रिएट करचे ए दु जण मथर जो एंगल डा क्रिएट करला ताकु कहबा एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज स्मॉल डी ए पॉइंट को कहबा में कैपिटल डी हला पले आको हम ना दे दो के कोन ना दवा के हले एथु जानिबो तमे एंगल ऑफ डेविएशन कोन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द डेविएटेड रे बा इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज के डी एच दैट इज के डी एच इज द एंगल ऑफ डेविएशन देखो एठी हमें एंगल ऑफ डेविएशन कोन लिख दबा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डेविएटेड रे बा इमर्जेंट रे लिखवा हम डेविएटेड रे बा त कोन लिख चपला में डेविएटेड रे बा इमर्जेंट रे इज known as angle of deviation mujhe lag le angle of deviation kon na angle between incident ray and deviated ray ba emergent ray is known as angle of deviation bartaman ame nijar long question ko de rahi pariba dekhle bartaman dui ta surface pai common incident ray au कॉमन रिफ्रैक्टेड रे एदुरे सरफेस में मिलता फॉर फर्स्ट सरफेस ए बी देखले फर्स्ट सरफेस ए बी पई ईएफ होचे हमरो इंसिडेंट रे ईएफ होचे रे एंड एफ जी होचे पेले रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे एंगल आई होच पिले एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आर1 होच पिले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को सरफेस पे हमरा एबी सरफेस पे मतलब पिले वर्तमान जान लो से परे नॉर्मल होचे ए बी सरफेस पे एन एन वन एन एन वन हो नॉर्मल द सरफेस ए बी से हमें सरफेस ए सी पे लिखा सरफेस ए सी पे कौन लिखा ना एफ जी हूँ आमर इंसिडेंट रे लिखले आ जी हे चौचे हमर रिफ्रैक्टेड रे बा इमर्जेंट रे मते कहि परबा जी हे चौचे रिफ्रैक्टेड रे बा कोन कहि परे तको इमर्जेंट ले पले वर्तमान देखो आ कोन रहला हां एंगल आर 2 हो चे हमर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ई होचे हमरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बा एंगल ऑफ इमर्जेंट मुझे लगला आउ एन एन टू होचे हमरो कोनो नॉर्मल टू द सरफेस एस सी बुझे बर्तमान देख पे आम
ना लॉन्ग क्वेश्चन को डेराइव डेराइव करिबा देखो डेराइव करिया पूर्व रे दुटा एंगल विषय रे हमको जानिया पड़ो देखो पहिले ई होची एंगल आई माइनस आर1 ई होची ई माइनस आर2 केमिति एंगल दासला ता बर्तन जानिबा देखो एन एन1 एंड ई के 2 रे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल एट ए पॉइंट एफ से दुटा रे पहिले इंटरसेक्ट करचंती कोठी एफ पॉइंट इंटरसेक्ट करचंती ताले हमर एंगल एंगल से तो इक्वल हमें जे तो ऑपोजिट टू ईच अदर ना को एंगल एन एफ ई आ के एफ एन ए दुटा प्ले इक्वल टू ईच अदर देखो हम एठे लिखु जे जेपरी एन 1 एफ ई इज इक्वल टू के एफ एन एंगल ले प्ले एंगल दुटा एंगल इक्वल टू ईच अदर कोन पे अपोजिट टू ईच अदर ताले ये जदी आई हला पिले ये मध्ये आई हेबो ना को एंगल टा हमरो एंगल आई इज इक्वल टू ये मध्ये एंगल आई हेबो जेहेतु ए दिजन इक्वल ताले ए टोटल एंगल टा के एफ एन को दुटा एंगल रो एडिशन रो छे ना जी एफ एन आउ के एफ जी देखो पिले के एफ जी ए एंगल तो हे तो ए एंगल दुटा एंगल ऐड हे के हमरो आई होचे ए टोटल एंगल होचे देखो मु लिखि दे विषय के एफ एन को कोन लिखिबे ना एंगल के एफ जी प्लस जी एफ एन भल से बुझियो चेष्टा कर पिले वर्तमान जी एफ एन होचे हमरो एंगल आर 1 सो देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल के एफ जी प्लस एंगल आर 1 देयरफॉर के एफ जी के तो पहले एंगल के एफ जी इज इक्वल टू एंगल आई माइनस आर 1 अब ना नहीं पहले बुझला पहले एटा केम देतला सो के एफ जी को हम एंगल आई माइनस आर 1 सिमिलरली सेम परिपले डी आउ हमरो जी एफ रे रहबो ई माइनस आर 2 सिमिलरली कोडा पिल एंगल रे रहला हमरो डी जी एफ एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू ई माइनस आर 2 बुझले पिल देखो पिल ई होची जदी ई तले टोटल डा हमरो ई हो ई रु जदी आर 1 गला तले एटा कोन रहला ई माइनस आर टू सॉरी आर टू गले ई माइनस आर टू बुझेला बिले से वर्तमान देखो बिले इन ट्राइंगल डी एफ जी कोटे बिले डी एफ जी रे ई होत बिले एक्सट्रोइड एंगल एक्सट्रोइड माने कोन बिले बहिस्थ कोन ये दुई जन होचन तार अंतस्थ दूरवर्ती कोन द इंटीरियर एंड अपोजिट टू एंगल हले बिले ताले आमी जानिचे एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंड ऑपोजिट एंगल ना कोन तार ओडियर मीनिंग कोन पिले बहिस्थ कोण रो ट्रायंगल रो बहिस्थ कोण रो परिमाण आ तार अंतस्थ दूरवर्ती कोण रो परिमाण रो समष्टि संगे समान सो देयरफॉर हियर इन ट्रायंगल डीएफजी एंगल डी इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल ताहले वर्तमान इदुटा होच पले इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ताहले एंगल डी इज इक्वल टू का संगे समान हो एंगल आई माइनस आर 1 प्लस एंगल ई माइनस एंगल आर 2 बुझेला पले ए दुटा एंगल रो समष्टि माने एडिशन संगे हमरो एंगल डी टा इक्वल हो देखो आर 1 एट 2 दु जण माइनस छथि मु माइनस टा कॉमन काढि से दु जण पाखरे लिख देबे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस आर 1 प्लस आर 2 ये गला हमर इक्वेशन 1 वर्तमान देखो पले इन ट्रायंगल एफ एन जी दैट मींस एफ एन जी ए ट्रायंगल टा पले देखो पहले लॉन्ग क्वेश्चन
डिराइव करिवार अछि बोले हमो डायग्राम निहाति दरकार तेनो मो डायग्राम गोटे नोट रे रखिचे आ गोटे नोट गोटे पेपर रे मो ताको भलसे बुझौ छी त मो नोट्स भलसे ताको मो प्रोवाइड करि पिले ताले हम डायग्राम पाखरे रही कि डिराइवेशन मध्य सेही पाखरे रहबा को पडियो तेनो मो ए होलिया बुझौ छी देखो पिले वर्तमान बुझौ चेष्टा कर समस्त ना हम ट्रायंगल कोन होचे एफ एन जी ए ट्रायंगल रे हम जानचे गोटे ट्राइंगल तीन कोण परिमाण रो समष्टि होचे 180 डिग्री सो ट्राइंगल को एंगल ना एंगल होचे आर1 आर2 प्लस एफएनजी मिथले कोण होचे पले 180 डिग्री सो इन ट्राइंगल एफएनजी एंगल आर1 प्लस एंगल आर2 प्लस एंगल एफएनजी एंगल पले एफएनजी एंगल एंगल आर1 आर2 समस्त मिथले कोण पले 180 डिग्री दैट इज इक्वेशन आवर बुझेले पिले वर्तमान देखो हमरो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल माने कोन पिले चतुर्भुज जोटे कि ए एफ एन जी एई क्वाड्रिलेटरल रे चारि कोण रो समष्टि बेसले के थाव पिले 360 डिग्री बुझो जे पिले क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज चतुर्भुज रे चारि कोण रो समष्टि होचि पिले 360 डिग्री सो को को एंगल रे होचि पिले देखो एंगल ए रहिला ता सहित एंगल ए एफ एन ए एंगल रहला ता सहित ए जी एन एंगल रहला ता सहित एफ एन जी ए चारटा एंगल मिसि हमरो क्वाड्रिलेटरल को जे जारो परिमाण होचे 360 डिग्री ताको आमे एठे डिराइव देखो इन क्वाड्रिलेटरल कोन रहला ए एफ एन जी को को एंगल रहला फर्स्ट लिखबा आमे ए एफ एन एंगल ए एफ एन प्लस वेरी इंपोर्टेंट पिले बुझियो सब बोले चेष्टा करो ए जी एन एंगल ए जी एन एंड एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एफ एन जी एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 360 डिग्री बुझेले पिले वर्तमान देखो ए एफ एन इज 90 डिग्री कहीं कि बिले ए सरफेस को यो छ हमर एन एन 1 नॉर्मल यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ होई छि त एंगलटा केते हबो 90 डिग्री से पर एन एन 2 यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ होई छि ए सरफेस को त एंगलटा हबो हमरो 90 डिग्री सो ए एफ एन एंड ए जी एन आर 90 डिग्री सो देयरफॉर यो छ हमरो 90 डिग्री ये हेले मधे पिल हमरो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल एफ एन जी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री क्लियर पिले वर्तमान देखो 90 प्लस 90 कौन आसला हमरो 180 सो दैट इज 180 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 360 डिग्री सो 180 से पड़ गेल कौन हो माइनस 180 सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 360 माइनस 180 केते पिले 180 सो एंगल ए प्लस एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज आवर इक्वेशन 3 सो वर्तमान देखो बोले फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट देखो इक्वेशन 2 रे कोन रहला आर वन प्लस आर टू प्लस एफ एन जी इज इक्वल टू 180 एठी रहला ए प्लस एफ एन जी इज इक्वल टू 180 दैट मीन्स राइट साइड दुईटा जाक इक्वाल अच्छे ताहले आम लेफ्ट साइड दुईटा को इक्वाल करवा देख इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 सो आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल एफ एन जी इज इक्वल टू कौन रहला एंगल ए प्लस एंगल एफ एन जी देख बोले एफ एन जी को एफ एन जी कैंसल सो देयरफॉर आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज आवर इक्वेशन 4 और देन यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट देख बोले इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 रे हमें पुट करबा देखो इक्वेशन 9 रे कोन थिला डी इज इक्वल टू आई प्लस ई
माइनस आर वन प्लस आर टू ये कौन अच्छे आर वन प्लस आर टू जगह रे मु ए पके दी ताहले कौन हबो डी इज इक्वल टू आई प्लस ए माइनस ए बुझले बिले सो कौन थिला से दी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस आर वन प्लस आर टू थिला लिखि दबा आर वन प्लस आर टू थिला ए वर्तमान इक्वेशन 4 रे कौन अच्छे आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए सो आर वन प्लस आर टू जगह रे एंगल आर वन प्लस आर टू जगह रे हम कौन लिख देबे ए सो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ए दिस इज आवर इक्वेशन 5 बुझेले बिले त कुटी के मॉडिफाइड करबा आको एमिति मधे लिख लेबो एंगल आई प्लस एंगल ई एंगल आई को आई लिखे एंगल ई को ई लिख ले मध्य चलबो एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू जदी एटा से पढ़ने जबा डी प्लस ए हमरो ए जो ये मध्य इक्वेशन 5 पा को मध्य कहि परबा कोन इक्वेशन 5 रे आसला एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू डी प्लस ए दैट फॉर एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म ओके पिले वर्तमान देखो पिले गोटे ग्राफ टे ड्र करवा इन बिटवीन आई एंड डी हला ना एंगल ऑफ इंसिडेंट आ एंगल ऑफ डेविएशन मध्ये रे गोटे ग्राफ देखो हमें प्रिज्म प्रैक्टिकल के करथले सेथरे जदी जे माने बुझि परिबो जे मानन को प्रिज्म प्रैक्टिकल हे छि भल से बुझि परिबो जे मानन कर हेनी मु एथरे डायग्राम रे भल से मानन को बुझे देबे देखो प्रिज्म रो डायग्राम टे देखो यू जे प्रिज्म डायग्राम एथरे यू चे एंगल ऑफ इंसिडेंट यू चे एंगल ऑफ डेविएशन जेतोळ बेले एंगल ऑफ इंसिडेंट को आमे बढे बढे नबा ना फर्स्ट होचे आमे एंगल ऑफ इंसिडेंट को 30 डिग्री नबा तापर एंगल ऑफ इंसिडेंट को 35 कोंदरे 40 45 50 55 60 इमिति बढे बढे जेतोळ जबा फर्स्ट देखिबा आमे एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करथवा जेतोळ एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढे बढे जाउचे एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करा प्रैक्टिकल रे सेतबेल कौन हो पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़े बढ़े नौचे एंगल ऑफ डेविएशन आस्ते आस्ते कमी कमी आस पे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 देन एंगल ऑफ डेविएशन वर्तमान कौन थो मनकर 40 डिग्री हाला पे जो आम एंगल ऑफ डेविएशन 35 करवा से सी आमर आस 30 मनकर 39 39 पाखापाखि आसला एक डिग्री कमला पुणर जो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट को 35 रु 40 कले से एंगल ऑफ डेविएशन पुणर 38 को पुणर कमला एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन इनक्रीजेस विथ एंगल ऑफ इंसिडेंट ना कौन कहला से देख जो आस्ते आस्ते एंगल ऑफ डेविएशन टा कमी कमी आसती प्राक्टिकल जो कर तुम सब भलसे बुझे पे एंगल ऑफ डेविएशन जो कमी कमी आस गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे आउ कमिबो नाही जेतबेले एंगल ऑफ इंसिडेंट आम बढ़ेबा ता सहित एंगल ऑफ डेविएशन मध्य आमर बढ़िया को चेष्टा करिया देखो ता मु ग्राफ रे केमते बुझौते ये छ आमर एंगल ऑफ कोन इंसिडेंट ये छ आमर एंगल ऑफ डेविएशन देखो ए पॉइंट रे आमर मन करो एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 थिला ये छ एंगल ऑफ डेविएशन मन करो 40 किमा 45 जहा किछो मनकर 45 थिला ये होचे 45 ये पॉइंट होचे 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन कोन रहला 45 जेतेबेले एंगल ऑफ इंसिडेंट को मु बढ़ोचे 30 रो 35 को बढ़ेले ए पॉइंटटा तबले एंगल ऑफ डेविएशन कोन हला कमिला एमिति आस्ते आस्ते पिले जेतेबेले एंगल ऑफ इंसिडेंट आ बढ़े बढ़े नबा एंगल ऑफ डेविएशन कमिला वर्तमान देख गोटे पॉइंट आसला जो पॉइंट रे कि एंगल ऑफ डेविएशन मन कर 38 किंबा 39 रोचे से पॉइंट रूप से कमिब ना जिते एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़े बढ़े जाओ आउ एंगल ऑफ डेविएशन आउ कमार ना वर्तमान एंगल ऑफ इंसिडेंट सहित एंगल ऑफ डेविएशन आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जीवो जिते एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा सेते एंगल ऑफ डेविएशन आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जीवो हेले जो पर्टिकुलर पॉइंट रे आमर एंगल ऑफ डेविएशन टा बढ़ुचे से पर्टिकुलर पॉइंट को आम कहवा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन
ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେଖ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଫ୍ଟା ପିଲେ ଦେଖ ଲେଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଏ ଗ୍ରାଫ୍ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଡ ଡି ଆଇ ମାନେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦେନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିକରି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଆସୁଥିଲା ହେଲା ଡି ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଚେସ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଭାଲ୍ୟୁ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 38-39 ହୋଇପାରେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଡିଏମ୍ ବୋଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରିବା ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଇଫ୍ ଫର୍ଦର ଆଇ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ପୁଣିଥରେ ଯଦି ଆମେ ଆଇକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦେନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଡି ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଆଇ ପୁଣିଥରେ ଆଇଟା କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ଡିଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ଯଦି ଆଇକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଆଉ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବନି ସେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ କହିବା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ବୁଝେଇଲା ବୋଲି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ରୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପାଇପାରିବାନି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ କୌଣସି ବି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ ପାଇବାନି ଯେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ କେବଳ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାଇପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ବଢ଼ିବ ହେଲା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପୁଣିଥରେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦଟ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ଟାରୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଯାଉଛି ସେ ମିନିମମ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ରେ ମିନିମମ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍ରେ ଆମର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ ଆଉ ଡିକୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍କୁ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିମମ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ବୋଲି କହିବା ବୁଝେଇଲା ବେଲେ ଦେଖ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରିବା ଏଠାକୁ ଖାତାରେ ଦେଖ ମୁଁ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛି ଦେଖ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦଟ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ସେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଡିକୁ ଡିଏମ୍ ବୋଲି କହିବା ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ହୋଇଯିବ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହୋଇଯିବେ ଯେହେତୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ତେଣୁ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହୋଇଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଯାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ସରି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ ଓଏ ଗେଟ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଦେଖ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପୁଟ୍ କରିବି ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ତେଣୁ କହିବାକୁ ପିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଇ ପୁଟ୍ କରାଗଲାନି କାହିଁକି ନା ଆମ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦରକାର ତେଣୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ସେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ଡି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ଡିଏମ୍ ସୋ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ସୋ ଦେର୍ଫୋର୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡିଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏମ୍ ବାଇ ଟୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫାଇଭ୍ ଆସିଥିଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା ପିଲେ ସେହିପରି ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋର୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ନା ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସୋ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁକୁ ଆମେ ଆର୍ ବୋଲି କନ୍ସିଡ଼ର କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ଆସିଥିଲା ସୋ ଦେର୍ଫୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଫୋର୍ ୱେ ଗେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆର୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ସୋ ଦେର୍ଫୋର୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ କ'ଣ ପୁଟ୍ କରିବା ନା ଆର୍ ସୋ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସୋ ଦେର୍ଫୋର୍ ଟୁ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବାଇ ଟୁ
दिस इज इक्वेशन 7 एकदम ले फ्रॉम स्नेल्स ला जोटा के रिफ्रैक्शन रो सेकंड ला सेथरो आमी कोन पाइथले म्यू इज इक्वल टू sin i by sin r sin i by sin r सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू sin i जगह रे हम कोन कोन पुट करे बोले i इज इक्वल टू a प्लस dm by 2 r जगह रे कोन पुट करबा a by 2 सो देयरफॉर ये हो छ हमरो sin a प्लस dm by 2 by कोन आसला sin आर जगह रे कोन पुट करबा sin a by 2 दिस इज आवर प्रिज्म फार्मूला ये हमरो पढ़ा आसला प्रिज्म इनका प्रिज्म फार्मूला डिराइव्ड प्रिज्म फार्मूला बाय डिराइवेशन ऑफ प्रिज्म फार्मूला डेड्यूस दिस फार्मूला ए बोली हमरो लॉन्ग क्वेश्चन के आसीबो बुझेला पिले सो थैंक यू फॉर वाचिंग